हमें क्यों गहन सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है आइए जानते हैं चाणक्य के इस नीति से उत्पन्न पश्चातापश्य बुद्धिर्भवती यादृशी तादृशी यदि पूर्वशात कस्य न सन्न महोदय अर्थात अशुभ कर्म करने के बाद पछताने वाले व्यक्ति को जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है यदि वैसी ही बुद्धि पहले उत्पन्न हो जाए तो किसको मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए अर्थात सबको मोक्ष मिल जाए व्याख्या पश्चाताप शुद्धि का हेतु है इससे मन का मैल साफ हो जाता है यदि यह बुद्धि पाप कर्म करने से पहले ही उत्पन्न हो जाए तो व्यक्ति की मुक्ति में कोई संदेह नहीं है तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को सदा गहन सोच विचार करने के उपरांत ही कोई कार्य करना चाहिए सज्जनों यदि आपको चाणक्य की इस नीति से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो ऐसे ही और भी चाणक्य नीति सुनने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के साथ ही इस नीति को लाइक शेयर और कमेंट करने की कृपा करें धन्यवाद